22 मई 2021 के दिन कांगो के गोमा इलाके में एक के बाद एक 92 भूकंपों ने दस्तक दी और इसी के साथ बगल में मौजूद एक ज्वालामुखी माउंट नारी गोंगा ने देखते ही देखते कांगो के बड़े से हिस्से को अपने चपेट में ले लिया। अब ऑब्वियसली कांगो लोगों के लिए ये घटना बेहद ही डरावनी और जानलेवा थी, जिसे सिर्फ वही लोग जान और समझ सकते थे। पर क्या आपको पता है, इंडिया से कुछ दूर गोमा में हुए इस घटना से अचानक इंडियन जियोलॉजिस्ट के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि उनका कहना है कि इस घटना से बहुत ही जल्द हमारे गुजरात, मुंबई, गोवा, कर्नाटक और केरला के खूबसूरत रीजन्स तिब्बत जैसे बर्फीले रीजन्स में बदल जाएंगे। आइए जानते हैं। जरा इस मैप में देखना, ये है वो जगह जहाँ पर 92 भूकंप आए थे और ये है वो क्रैक्स जो पिछले 40 मिलियन सालों से इथियोपिया से जिम्बाब्वे के बीच बने हैं। अब हम देख सकते हैं कि कांगो में बने ये दरारें उन पुरानी खाई जितनी दरारों से जाके मिल रही है, यानी कि कांगो में आए ये क्रैक्स ये सबूत है कि सिर्फ कांगो नहीं बल्कि पूरा अफ्रीका दो टुकड़ों में बट रहा है। और अभी हाल फिलहाल में यही टूटने की प्रक्रिया बहुत तेज हो रही है। लेकिन हमारे इंडियन साइंटिस्ट आखिर क्यों डरे हुए हैं और सिर्फ अफ्रीका ही टूटने से इतना बवाल क्यों हो रहा है? तो देखो, अकॉर्डिंग टू इसी अफ्रीका के स्प्लिटिंग ने बिलियन साल पहले इंसानों को 4 पैरों से 2 पैरों पर चलने के लिए मजबूर किया है और बहुत जल्द यही स्प्लिटिंग इंडिया के वेस्टर्न घाट के जीवों को खत्म करके उन्हें एकदम यूनिक तरह के जीवों में रिप्लेस करने वाला है। अब यह नया क्वेश्चन आता है कि आखिर कैसे इंडिया का यह रीजन हॉट से डायरेक्ट कोल्ड रीजन में बदल जाएगा। दरअसल 2021 में नीदरलैंड के जियोलॉजिस्ट टेक्निकल प्लेट्स और उनके पास्ट एक्टिविटीज को स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि 45 मिलियन साल पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जमीन बड़े ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूटकर अलग हो गई और ऊपर जाकर सीधा यूरेशियस प्लेट से जाकर टकरा गई और इसी टकराव से जमीन फोल्ड होकर ऊपर उठने लगी और इसी कारण से आगे जाकर हिमालयाज का जन्म हुआ। अब इस घटना को देखकर जियोलॉजिस्ट को एक सवाल आया, भविष्य में हिमालयाज से भी ऊंचे पर्वत बनने के क्या चांसेस होंगे? तो उन्होंने देखा कि अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा टूट रहा है और अगर भविष्य में ये टूट गया तो आने वाले 199 मिलियन सालों तक ये भारत के वेस्ट रीजन में जाकर टकराने वाला है और इस टकराव का इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा कि इस वजह से इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डरीज पर एक नई माउंटेन रेंज का निर्माण हो जाएगा और ये सोमालियन माउंटेन रेंज हिमालय से 2 गुना ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाएगी और इससे होगा ये कि इंडिया का वेस्ट रीजन कोल्ड रीजन में बदल जाएगा, यानी कि यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से गिरकर सीधा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। और अगर सच में ऐसा होता है तो इंडिया का नया भविष्य कैसा होगा? हमारा आधे से ज्यादा इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस खत्म हो जाएगा, हमारा फिशिंग बिजनेस 55% से गिर जाएगा, हमारे इंडिया के लिए वेस्ट साइड से सिक्योरिटी सिस्टम बनेगा, इसी के साथ बहुत से प्राणी, मनुष्य और वनस्पति का नामो निशान भी मिट सकता है। इसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब याद से कर देना।